बात करेंगे ये प्रदेश की मौसम की मिजाज की। जी हाँ, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, तो वहीं कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। माउंट आबू की अगर बात करें तो देखिए, माउंट आबू में बर्फ जमी हुई नजर आ रही है, गाड़ियों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, या फिर यूं कहें कि आमजन की दिनचर्या इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह की जतन यहां पर अपनाए जा रहे हैं। तीन तस्वीर जरा देख लीजिए, तीनों तस्वीरों में आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। दो जो ये तस्वीरें नजर आ रही होगी आपको, इनमें आप देख पा रहे होंगे कि घना कोहरा देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इस घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और आपको जानकारी दी कि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, और माउंट आबू में सर्दी जो है उसके तीखे तेवर नजर आ रही है। हाड़ का पानी वाली सर्दी यहाँ पर पड़ रही है, लोगों का सर्दी से हाल बेहाल है, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, तीसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अलाव का सहारा लिया जा रहा है। पहली तस्वीर जरा देख लीजिए कि गाड़ी पर किस तरह से ओस की बूंदे नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं घना कोहरा और घने कोहरे के साथ सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है, जो कि आमजन की दिनचर्या को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, हाड़ कपाने वाले सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। और अगर हम बात करें जैसलमेर की, तो देखिए जैसलमेर में भी घना कोहरा और शीतलहर के आगोश में है धुरारी धरती। भड़ियाणा कस्बे में देखिए, आसपास का जो भड़ियाणा का आसपास का इलाका है, वहां पर भी घना कोहरा है, चारों तरफ घना कोहरा नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सर्द हवाओं के चलते सर्दी का थर्ड डिग्री टॉर्चर जारी है, शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि तापमान में 8 से 10 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है। आमजन अलाव ताप सर्दी से बचने का जत्न यहां पर कर रही है। सरहदी जिले की रेगिस्तानी इलाके रहने वाले लोग सबसे ज्यादा सर्दी से प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि पशुधन पर दिखने लगा है अब सर्द हवाओं का खासा असर। एक सप्ताह से जारी तेज हवाओं के साथ सर्दी का असर, तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या कहता है प्रदेश के मौसम का मिजाज। तो देखिए, भड़ियाणा की अगर हम बात करें तो भड़ियाणा में भी लगातार जो है सर्दी बढ़ती जा रही है। और चलिए सीधा आपको माउंट आबू लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, हम अलग अलग जिलों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, चूंकि आप माउंट आबू में मौजूद हैं और माउंट आबू में देखने को मिल रहा है कि कोहरा नजर आ रहा है, सर्द हवाएं चल रही है, लोगों का सर्दी से हाल बेहाल है, क्या कहता है माउंट आबू का मौसम का मिजाज कमलेश? देखिए इंदु, प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी और शीत लहर का असर यहां पर बरकरार। बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर है और आज कह सकते हैं कि वर्ष 2024 का सबसे सर्द दिन हो सकता है, क्योंकि तापमापी का पारा करीबन 3 से 4 डिग्री माइनस में। सुंदर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं माउंट आबू के कुमारवाड़ा क्षेत्र में खड़ा हूं। आप देखिए मेरे सामने जो कार खड़ी है, इस कार की छत पर जो ये ओस की बूंदे हैं इंदु, कहीं ना कहीं आप ये देखिए बर्फ में यहां पर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से आप देखिए ये जो बर्फ की जो मात्रा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का असर यहाँ पर कितना है। और ये देखिए ये तस्वीर है माउंट आबू की, और माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर है और आज तापमापी का पारा -3 से 4 डिग्री के बीच कहा जा सकता है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी है। देखिए तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि माउंट आबू में आखिर सर्दी कैसी। मैडम आप बताइए, सुबह सुबह घर से बाहर निकले, ठंड कैसी है आज? बहुत ज्यादा ठंड हो रही है आज तो। बर्फ जमी है, ठंड है बहुत ज्यादा है रही आज तो। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा? ठंड कैसी है? ठंड है बहुत है। सुबह कैसा रहता नजारा? सुबह का तो बिल्कुल खौस रहती है एकदम, बर्फ जमती है। बर्फ जम रही है।
देखिए ये जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि परेशानियां जरूर है लेकिन मौसम खुशनुमा हो रखा है क्योंकि ताज तापमापी का पारा -4 डिग्री के करीब होना चाहिए। तो ऐसे में आने वाले दिन भी कहीं ना कहीं इंदु कड़ाके की सर्दी भरे होंगे और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जनजीवन तो प्रभावित होता ही है लेकिन पर्यटकों के लिए कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा ये मौसम कहा जा सकता है क्योंकि पिछले दिनों जहां कड़ाके की सर्दी थी और कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो टूरिज्म है टूरिज्म खास तौर पर यहां पर फलता फूलता हुआ नजर आ रहा था लेकिन आने वाले जो दिन है मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी कि आने वाले दिनों में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर देखा जा सकता है। ये तो ये मेरे सहयोगी राज मेरे साथ हैं, ये दिखाएंगे ये तमाम जो यहाँ पर ये कारें खड़ी है ये कारों का रंग यहाँ पर परिवर्तित नजर आ रहा है क्योंकि जो ओस की बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील हुई है तो इसकी वजह से देखिए इसकी जो खूबसूरती है कहीं से कहीं ना कहीं दूर से भी एक सुंदर तस्वीर यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे हैं इंदु। तो कहा जा सकता है कि आज सबसे कड़ाके की सर्दी का दिन है। जी इंदु बिल्कुल। और कमलेश जब हम माउंट आबू की बात करते हैं तो टूरिज्म के लिहाज से खास जगह मानी जाती है प्रदेश की माउंट आबू, ऐसे में क्योंकि आप बता रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हमने तस्वीर भी देखी कि कैसे उस गाड़ी ने बर्फ की चादर ओढ़े हुई थी, तो ऐसे में टूरिज्म कैसे इससे प्रभावित रहने वाला है? टूरिज्म प्रभावित नहीं होगा इंदु क्योंकि माउंट आबू में आने वाला जो पर्यटक है खास तौर इस सीजन पर इस सर्दी को महसूस करने आता है क्योंकि माउंट आबू की खूबसूरती एक अलग है क्योंकि ये अरावलियों की पहाड़ी का जो शहर है इस शहर के अंदर जो टेम्परेचर की बात करें तो सुबह का टेम्परेचर जहां माइनस में होता है तो दिन का जो टेम्परेचर है वो 17 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो ऐसे में जो गुनगुनी धूप दिन के समय वो महसूस होती है और सुबह जो कड़ाके की सर्दी है वो यहां पर महसूस होती है। तो ऐसे में जो पर्यटन के लिहाज से बात करें इंदु तो पर्यटन के लिहाज से ये सर्दी महत्वपूर्ण रखती है और वीकेंड पर खास तौर पर पर्यटक यहां पर आते हैं और जो ये मैं तस्वीरें इंदु जो दिखा रहा था इन तस्वीरों के माध्यम से जो यहां की जो ये बर्फ के खेलने का जो आनंद है ये देखिए ये बर्फ से जो खेलने का आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है, इसी को एंजॉय करने के लिए कमलेश आपके पास वापस आएंगे, तस्वीरें भी आपके पास भी देखेंगे लेकिन उदयपुर से हम दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी नारायण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नारायण देखिए हमने अभी माउंट आबू की बात की कि कैसा है वहां पे मौसम का मिजाज, अगर झीलों की नगरी की बात करें उदयपुर की बात करें तो क्या कहता है उदयपुर के मौसम का मिजाज, तस्वीर भी जरा दर्शकों तक पहुंचाए। जी देखिए इंदु उदयपुर के जो जिलों के शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कल जो कोहरा था आज लेक सिटी में कोहरा नहीं है। पहाड़ों की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो यहाँ पर विजिबिलिटी 10 मीटर के आसपास थी वो आज खत्म हो चुकी है और पहाड़ों की तरफ जो कोहरा और मैदानी इलाकों में जो कोहरा था वो छट चुका है। अगर टेम्परेचर की अगर बात करें तो 2 डिग्री जो टेम्परेचर है जहाँ पर कल 12 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान था वह आज गिर के 10 डिग्री के आसपास आ चुका है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 24 डिग्री के आसपास जो तापमान था वो अब 22 डिग्री के आसपास आ चुका है। लेकिन लेक सिटी में जो ठंड सर्द हवाओं का दौर है वो लगातार जारी है जिससे दिन की जो धुजनी है यथावत बनी हुई है। वहीं दिन में दोपहर बाद में थोड़ी सी जो सर्दी से राहत मिल रही है लेकिन शाम होते होते वापस वही धुजनी का क्रम यथावत बना रहता है, अगले दिन तक यथावत जारी रहता है। ऐसे में लेक सिटी में आने वाले दिनों में जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार मकर संक्रांति के बाद में भी ठंड पड़ने की संभावना है। ऐसे में अगर बात करें तो फसलों की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी जो किसानों के लिए एक मावट की जरूरत है क्योंकि अब गेहूं की फसल जब बड़ी होने लगी है तो इनको एक पानी की जरूरत है, एक पान की जो जरूरत होती है जिसको पिलाई की कहते हैं उसको जरूरत होती है। ऐसे में जो एक मावट यदि हो जाता है तो किसानों के लिए ये फसलें संजीवनी पैदा होती है। जी जी नारायण आपने तस्वीर भी दिखाई और जानकारी दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, कमलेश आपने माउंट आबू की जानकारी दी और माउंट आबू से तस्वीरें दिखाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको प्रदेश के मौसम का अपडेट दे रहे हैं कि क्या कहता है प्रदेश के मौसम का मिजाज।